नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग ए एन बहाली प्रक्रिया को लेकर नई सूचनाएं निकल कर आ रही है इन सारी अपडेट को हम लोग एक एक करके जानेंगे बी टी को लेकर भी नई अपडेट आ रही है साथ ही ए एन एम बहाली को लेकर भी आप लोगों को uh, जो वैकेंसी के रिगार्डिंग भी आरआरबी uh, में आपको नई नियुक्ति के लेकर uh, रिक्त पद देखने को मिल रहे हैं बी टी एस सी एन एम की हम यदि बात कर ले तो इनके लिए और भी डबल अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को इसमें uh, बहाली का प्रोसेस में जिनको शामिल किया जाएगा उनके लिए बेनिफिट तो है ही साथ ही इतने सारे बहालियाँ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाइएगा चौबीस में और यदि हम बी टी एस सी एन एम की बात करें तो आप लोगों की परसों इनकी सुनवाई है सत्ताईस जून को इनकी सुनवाई है उसका केस स्टेटस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो केस का जो स्टेटस है वो तो अभी फ़िलहाल कॉज लिस्टेड जो सीरियल नंबर है वो आप लोगों को आज शाम तक देखने को मिल सकते हैं अभी फ़िलहाल नहीं दिया गया है हमने चेक किए थे तो अभी इसका कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर नहीं दिया गया था क्योंकि कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर से ही पता चल पाता है कि उस दिन केस की सुनवाई होंगे या डेट एडजर्न होंगे मतलब कि आप लोगों ने हाईकोर्ट वाले सुनवाई में भी देखे होंगे कि यदि कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर ज़्यादा रहते थे तो उस केस की सुनवाई नेक्स्ट हियरिंग में टाल दिया जाता था लेकिन इसका अभी कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर दिया गया नहीं है और आप लोगों को आज हम उसके रिगार्डिंग शाम तक आ जाएंगे जो लिस्टेड सीरियल नंबर है तो वो हम आपको बता देंगे फिलहाल आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो भी एन का कैंडिडेट है जो भी चाहे पी टी का है चाहे फ्रेशर कैंडिडेट है चाहे संविदा पर कहीं वर्क कर रहे हैं उन सारे कैंडिडेटों के लिए यदि आप लोग आर रेलवे में जो आप एन की जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये मास वैकेंसी है बड़ी संख्या में वैकेंसी है और इधर बिहार में फिर पंद्रह हज़ार है और इसमें भी लगभग आपको पंद्रह से अट्ठारह हज़ार उन्नीस हज़ार के आसपास में इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो इतने सारी वैक बहालियाँ आ रहे हैं लेकिन सब में एग्ज़ाम है ऐसा नहीं कि अब आप लोगों को मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होंगे इसका सारा हम आपको प्रोसीजर बताएंगे कैसे क्या कब से स्टार्टिंग होने जा रहे हैं आप लोगों को ए का पी और क्लास के लिए ये नंबर दिया गया है क्लासेज़ आप लोगों की रेगुलर चल रही है आप पी जरूर ले लें जिससे कि आप अपना ए का एक सीट सुनिश्चित कर सकें हंड्रेड परसेंट आपका कोई ना कोई चाहे बिहार वाला चाहे आरआरबी वाला आपका निकलेगा ही निकलेगा अगर जो हम आपको नोट्स देंगे जो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे उससे यदि आप पढ़ते हैं तो बी टी में भी बहुत सारे कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ था तो इससे भी बेहतर नोट्स तैयार किया गया है और बहुत सारे और क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं और भी बहुत सारा इसमें हम थ्योरी के साथ क्वेश्चन सारा कुछ बताते हैं लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगे और ज़रूर आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए बहुत सारे कैंडिडेटों ने क्लास ज्वाइन कर लिया है इस नंबर पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर ली यदि आप चाहते हैं कि हमें चार से पाँच महीना में जॉब ले लेना है तो क्योंकि तीन चार महीना में एग्जाम हो जाएंगे तो जैसे कि रेलवे में पहले पारा के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी नहीं थी लेकिन रेलवे ने इन रिक्त पदों के कर संविदा कर्मियों को लेकर मन बना चुकी है फिर मान्यता संगठनों के बाद पारा में रिक्त पदों पर बहाली की तैयारी है माना जा रहा है कि इसमें पाँच हज़ार से अधिक पद पर भर्ती आएंगे पाँच हज़ार अभी इसमें सुनिश्चित किया है आपने एल लोको पायलट में देखे होंगे कि लोको पायलट में अंठावन सौ सीट पर आवेदन करवाया गया था और अभी उसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया उन्नीस हज़ार कर दिया गया तो इसमें भी बहुत ज़्यादा सीट खाली है इतना अभी रिक्वायरमेंट इनके पास बायोडाटा होंगे इसलिए इतना पर रिलीज किए हैं और ये बढ़कर अट्ठारह से बीस हज़ार तक जाएंगे तो इतनी मास वैकेंसी आपको फिर दोबारा चौबीस के बाद देखने को नहीं मिलेंगे इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए क्योंकि बी टी में जो कुछ भी होंगे उसका सारा इन्फॉर्मेशन सारी सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते ही रहते हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की है नहीं नई बहाली के लिए आपको मेहनत करनी है तैयारी करनी पड़ेंगे उसमें जो कुछ भी करना था बी टी वो आप लोग कर चुके हैं अब कितना समय लगते हैं कब उसका फुलफिल किए जाएंगे बहाली वो तो अब आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट यदि फैसला दे भी देते हैं तो भी आयोग कितनी जल्दी से उसका वर्क करते हैं ये आयोग पर डिपेंड करते हैं क्योंकि हाई कोर्ट के मामला आने पर भी आयोग ने उसमें कुछ भी नहीं किया बहाली का प्रोसेस जौ का तो पड़ा हुआ है ये आपको पता है तो इसलिए इसमें समय लगेंगे और आप लोग उसी के भरोसे यदि बैठे रहेंगे अगर पता चला आपका उसमें नहीं हुआ क्योंकि किसका होगा उसमें अभी पूर्ण रूप से कन्फाइंड नहीं है कि सीबीटी वाले को होंगे या काउंसिलिंग की जो डायरेक्ट मांग कर रहे हैं उनके होंगे ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है किन का होगा यदि आप इनके बीच में ही रह गए कह कि मेरा इसमें हो ही जाएगा अगर इधर का भी बहाली निकल जाएगा तो आपको फिर ए एन एम की बहाली के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इतनी मास वैकेंसी फिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ये सब रिक्डियाँ जल्द भर्ती किए जाएंगे जल्द फुलफिल किए जाएंगे और आपके पास ज़्यादा समय तैयारी करने का है नहीं आवेदन की प्रक्रिया यदि शुरू हो जाते है तो उससे एक से डेढ़ मंथ बाद ही एग्ज़ाम हो जाएगा इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए और आपकी तैयारी रेगुलर क्लासेज चल रही है क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिए निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन होगा आप एन का जॉब इस साल कर पाइएगा और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा और बी टी एस सी एन एम का जो ये सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग कॉलेज स्टेट सीरियल नंबर है यदि एक्टिव किए जाते हैं तो उसका हम सारी इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे थैंक यू